हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो वीडियो है वो पार्ट टू है, जो कि मैं पिछली बार क्लच की वीडियो बनाने वाला था। तो वो वीडियो जो मैंने क्लच की वीडियो की है, उसके अकॉर्डिंग जो सेकंड पार्ट था उसका, जो मैंने आपका क्लच को यूज़ बताया था आपको फर्स्ट पार्ट में, उसके साथ ही साथ ये वीडियो में मैं आपको क्लच का यूज़ दिखाऊँगा ट्रैफिक में। तो अभी तो जैसा आप देख रहे हैं, मैं एक ट्रैफिक में ड्राइव कर रहा हूँ, साथ ही साथ आगे स्पीड ब्रेकर्स भी हैं। तो आप देखिए मैं किस तरह से स्पीड ब्रेकर में ड्राइव करूँगा। आपको नीचे मेरे फुट से पैडल दिख जाएगा किस तरह से मैं ड्राइव कर रहा हूँ। और ट्रैफिक में मैं किस तरह से क्लच का यूज़ ले रहा हूँ ये भी आप देखिए। जहाँ मेरे को रिक्वायर्ड है वहीं मैं क्लच प्रेस करूँगा। ये देखिए मेरी कार स्लो हो रही थी और हो सकता बंद हो जाती, इसलिए मैंने क्लच का यूज़ लिया। अब देखिए मैं सेकंड गियर में हूँ और मैंने अभी क्लच को पूरी तरह से छोड़ रखा है और एक्सीलेटर भी मेरा निल है। आगे आप देख सकते हैं ट्रैफिक है, बड़े आराम से कार चलेगी। बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक सिचुएशन है यहाँ पे और दोनों साइड से मेरे को आता हुआ भी ट्रैफिक है और यहाँ से जाते हुए भी हैं। लेफ्ट साइड से मेरे को ओवरटेक लिया जा रहा है छोटी छोटी साइकिल बाइक या साइकिल छोटे व्हीकल्स जो हैं, साइकिल है बाइक है, तो वो लेफ्ट से उनको स्पेस मिल रही है तो वो आराम से ओवरटेक ले रहे हैं। और आप देख सकते हैं मैंने अभी क्लच को पूरी तरह से छोड़ रखा है। ट्रैफिक में किस तरह से क्लच का यूज़ करेंगे वो ये वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा, जो कि पार्ट टू है। जो पहले वीडियो मैंने आपको क्लच का एक्सप्लेनेशन दिखाया था किस तरह से क्लच प्रेस करके आप गियर शिफ्ट करते हैं या आप क्लच की यूज़ से आप ड्राइव किस तरह से करते हैं, अपनी कार को स्टार्टअप कैसे करते हैं, उसका पार्ट वन में आपको मिल जाएगा फ्रेंड्स। उसी की कंटिन्यूएशन ये वीडियो है जिसमें मैं आपको क्लच का यूज़ दिखाऊँगा ट्रैफिक में। ये देखिए मैं अभी फर्स्ट गियर में हूँ। जैसे ही मुझे लग रहा है कि कार को स्टॉप करना है या मेरे पास स्पेस नहीं है, कार बंद हो जाएगी, उसके अकॉर्डिंग मैं क्लच को प्रेस कर रहा हूँ। यहाँ पे स्पीड ब्रेकर्स भी बहुत हैं और स्पीड ब्रेकर को मैं किस तरह से क्रॉस करूँगा वो भी आपको दिखाता हूँ। तो आप जैसे देख सकते हैं ये एक लेन में सभी तरह का ट्रैफिक है, साइकिल से लेके ट्रक बस सब कुछ चल रहा है। और साथ ही साथ मैं इसमें अपने कार को क्लच से किस तरह से कंट्रोल कर रहा हूँ, और मैंने अभी सेकंड गियर लगा रखा है। जब बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक होता है तो आप मैक्सिमम फर्स्ट या सेकंड गियर में ही चला सकते हैं। सेकंड गियर में भी तभी अगर आपको थोड़ी सी स्पीड स्पेस मिल रही है स्पीड लेने के लिए। अभी जैसे आप देखिए मुझे हल्की सी स्पीड मिली थी, मैंने सेकंड गियर लगा लिया था। अब मुझे स्टॉप करना है और वापस से स्टार्टअप करना है तो मैंने क्लच प्रेस किया, फर्स्ट गियर में ले लिया, स्पीड ब्रेकर भी था। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ट्रैफिक मेरे साथ साथ जो भी मूव हो रहा है तो उसमें मुझे दोनों साइड का ध्यान देना है, साथ ही साथ आगे जो ऑनगोइंग ट्रैफिक है मेरे साथ और अपकमिंग ट्रैफिक मेरे तरफ जो आ रहा है उसका भी ध्यान देना है। और मेरी क्लच का भी यूज़ देखिए, मैं शिफ्ट कर रहा हूँ जैसे ही गियर और मुझे स्पेस मिल रही है तो मैं क्लच धीरे से पूरी तरह से छोड़ दे रहा हूँ। ये देखिए अभी मुझे क्लच की यूज़ आएगा। ये देखिए अभी मैंने वापस से फर्स्ट गियर लिया तो मेरे को क्लच का यूज़ लगा। मैं क्लच का यूज़ दो ही जगह ले रहा हूँ, या तो मैं गियर शिफ्ट कर रहा हूँ तब, या तो फिर लगेगा मुझे कि कार ऑफ हो सकती है और बहुत स्लो हो जा रही है तब मैं क्लच का यूज़ ले रहा हूँ। अभी आप देखिए क्लच पूरी तरह से छोड़ रखा है मैंने, इसमें कि स्लो मूविंग है, इसमें मैं हल्का सा भी रखता हूँ ऐसे लेग अपना, वो भी नेगेटिव पार्ट है क्लच को, हल्का सा भी अगर मैं प्रेस करके रखता हूँ तो। कार में जब भी ड्राइव कर रहे हैं, आप गियर शिफ्ट कर चुके हैं और आगे ट्रैफिक नहीं है तो क्लच से पैर पूरी तरह से आप हटा सकते हैं। तो अगर आप क्लच पे पैर रखते हैं पूरी तरह से या थोड़ा सा भी ऊपर आप लिफ्ट करके रखते हैं अपना लेग उस क्लच के ऊपर, तो आप जाने अनजाने में क्लच प्लेट को जला रहे हैं, क्लच प्लेट को बर्न कर रहे हैं, क्लच प्लेट जो फ्रिक्शन क्रिएट होती है वो ख़राब कर रहे हैं, जो मैंने पार्ट वन में एक्सप्लेनेशन दिया था आपको। तो ये वीडियो तो कम्प्लीटली ट्रैफिक में किस तरह से ड्राइव करना है उसके बारे में है। ये देखिए आप किस तरह से ट्रैफिक मेरे सामने है और मैंने क्लच का यूज़ किस तरह से लिया है। वैसे तो आप क्लच, एक्सीलेटर और ब्रेक तीनों का ही यूज़ देख सकते हैं इस ट्रैफिक कंडीशन में, लेकिन क्लच का यूज़ सबसे ज़्यादा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि क्लच से रिलेटेड वीडियो कर रहा हूँ फ्रेंड्स। तो ये पार्ट टू जो कि मैंने बताया आपको क्लच से एक्सप्लेनेशन था, ड्राइव कर रहा हूँ ये टू वे लेन है और स्पीड ब्रेकर्स भी हैं, तो आपको क्लच का कंप्लीट यूज़ दिख जाएगा मेरी इस वीडियो में।
ट्रैफिक के टाइम में, और साथ ही साथ जब मैं ओपन स्पेस में भी चलाऊंगा तो भी आपको दिख जाएगा। अभी देखिएगा यहाँ से थोड़ी दूर में स्पेस आएगी ओपन स्पेस, उसमें मैं किस तरह से ड्राइव करता हूँ। ये पूरा रोड जो है ये टू वे लेन है, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा कंजस्टेड रहता है, मार्केट प्लेस भी है। तो इसमें क्या है, आपको अपनी गाड़ी की जजमेंट के साथ साथ आपको अपनी क्लच के कंट्रोल, ब्रेक और एक्सीलेटर का कंट्रोल पूरी तरह से लेना होता है। क्लच प्रेस ही नहीं किया है, आप देख सकते हैं। जहाँ मेरे को रिक्वायरमेंट थी मैंने ब्रेक लगाई, कार को स्लो डाउन कर लिया सेकंड गियर में भी। क्लच मैं तभी प्रेस कर रहा हूँ या तो मुझे गियर शिफ्ट करना है जो मैं पहले भी मेंशन किया हूँ, और या तो फिर मुझे स्लो डाउन करना है और कार अगर ऑफ होने लगेगी तब मुझे क्लच प्रेस करना है। ये बहुत जन की कन्फ्यूजन रहती है, मुझे कमेंट्स में भी पहले मिला है कि अगर कार को फर्स्ट गियर में स्लो डाउन करना है तो हमें क्या क्लच प्रेस करके ब्रेक प्रेस करनी चाहिए या फिर ब्रेक प्रेस करके संग संग क्लच प्रेस करना चाहिए। इसकी मेंशन मैं कर रहा हूँ फ्रेंड, आप देख सकते हैं क्लच मैं बहुत रेयर प्रेस कर रहा हूँ जब मुझे गियर शिफ्ट करना है या तो फिर कार मेरी ऑफ होने वाली है उसी सिचुएशन पे। जैसे न्यूट्रल कर लिया है, इस समय गियर में नहीं रख रहा हूँ कार को। अगर आप 5 सेकंड या 7 सेकंड या मैक्सिमम 10 सेकंड तक आपको अगर रखनी है कार को गियर में तभी आप क्लच प्रेस करके रखें, नहीं तो प्रेशर क्रिएट प्रेशर क्रिएट होता है और आपके लेग में भी प्रेशर रहेगा कि आप प्रेस करके रखेंगे क्लच को। तो उससे अगर वैसा हैबिट करते हैं तो आपको कुछ रन में थकावट होने लगेगी, तो जितना हो सके आपको लगे कि हाँ मैं ड्राइव करते वक्त थोड़ा सा रिलैक्स होना चाहता हूँ, क्लच से पैर हटाने के लिए आप हमेशा ये करिए कि गियर में गाड़ी को ज़्यादा मत रखिए। 10 सेकंड अगर आपको लग रहा है सिग्नल 10 सेकंड बाद खुल जाएगा तभी क्लच पर प्रेस करके आप गियर में रख सकते हैं कार को, अनलेस आप न्यूट्रल कर लीजिए कार को। कार को न्यूट्रल में रखिए, आपके लेग में प्रेशर भी नहीं रहेगा। क्लच जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कार ड्राइविंग के लिए। अभी देखिए मुझे क्लच की यूज बिल्कुल भी नहीं पड़ी स्टार्टिंग के बाद से, और मैं ही ना टाइम में प्रेस कर रहा हूँ, जो मुझे गियर शिफ्ट करना होगा तब प्रेस करूँगा। अभी मैं थर्ड गियर में हूँ, ये देखिए मैंने बहुत लिया और क्लच पूरी तरह से रिलीज कर दिया। जैसा मैं कह रहा था कि इम्पोर्टेंट है क्लच, अगर आप क्लच का यूज समझ लेते हैं तो आपकी कार कभी बंद नहीं होगी, जो जर्व करती है चीज के लेती है वो भी बनी होगा, और आपका क्लच लेट सही रहेगा तो आपकी कार की पिकअप सही रहेगी, माइलेज सही रहेगी। क्लच से रिलेटेड बहुत कुछ चीजें हैं जो कार के ड्राइविंग से आपकी मतलब आपको एक्सपर्ट करती हैं अगर आप क्लच का यूज बहुत अच्छे से करते हैं। जैसे आपको मैंने ट्रैफिक में दिखाया था वहाँ क्लच का यूज थोड़ा ज्यादा आता है, इसलिए हाईवे में अगर आप चलाते हैं तो आपको एक गियर लगाना होता है, टॉप गियर लगा लिया आप हाईवे में चला रहे हैं, इससे माइलेज मिलती है। फ्रेंड्स क्लच का यूज बहुत ही यूनिक चीज है जो मैं आपको बता रहा हूँ, हमेशा इस चीज का ध्यान रखें कि क्लच को बहुत सोच समझ के यूज करें, क्लच पे पैर हमेशा ना रखें। अभी आप देखिए आगे चल के थोड़ी सी और ट्रैफिक अगर मिलता है तो मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे भी जैसे आपको पहले उस टू लेन में दिखाया था यहाँ पे भी मुझे क्लच का यूज उसी तरह से होगा। अभी तक मैंने क्लच आप देखिए गियर शिफ्ट करने के लिए ही लगाया था, उसके अलावा मैंने प्रेस नहीं किया अभी तक क्लच। इनफैक्ट मुझे स्लो डाउन करनी है जैसा मैंने कहा, कमेंट भी आए मुझे मेरी पिछली वीडियो में कि अगर मुझे स्लो डाउन करनी है फर्स्ट या सेकंड गियर में तो कैसे करना चाहिए। सिंपल लॉजिक है, आप एक्सीलेटर छोड़ दीजिए सेकंड फर्स्ट गियर में, कार स्लो डाउन हो जाएगी, लेकिन थर्ड फोर्थ में अगर आप एक्सीलेटर छोड़ेंगे तो कार का मोमेंटम रहेगा वो ऑलमोस्ट उसी स्पीड में चलेगी, और
सेकंड गियर में अगर स्लो डाउन करना है तो आप एक्सीलेटर को छोड़ दीजिए, क्लच प्रेस मत करिए, क्लच तभी प्रेस करिए जब आपको लगे आपकी इंजन ऑफ होने वाला है, 1000 आरपीएम से नीचे चल जाएगा आरपीएम मीटर, और आपको लगे कि गियर शिफ्ट करना है, अगर आप हाई गियर में तो लो करना है, या लो गियर में तो स्पीड लेके हाई करना है, तभी क्लच का यूज आता है। आपने देखा मैं फ्री जो रोड था आराम से उसी 40 स्पीड में हूँ, आगे भी बाइक चल रही हैं, कुछ ट्रैफिक है, लेकिन मुझे क्लच का यूज नहीं है क्योंकि मैं उसी स्पीड में इतना नॉर्मल स्पीड में। अभी आप देखिए मैंने ब्रेक प्रेस की, मेरे को क्लच प्रेस करना तभी जरूरत पड़ा जब मेरी कार या तो बंद होने लगी, अब मैंने न्यूट्रल करके छोड़ दिया। तो ये टेक्निक अगर आप करंट फॉलो करते हैं तो ये टेक्निक फ्रेंड्स अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको क्लच से रिलेटेड कोई भी परेशानी नहीं होगी, ये ड्राइविंग से रिलेटेड आप कंफर्ट ड्राइविंग कर सकेंगे, साथ ही साथ आप अपनी कार से माइलेज भी बहुत अच्छी ले पाएंगे। अभी आप देखिए मैं शिफ्ट कर रहा हूँ, जब जैसे गियर उसी समय मैं क्लच अप्लाई कर रहा हूँ या प्रेस कर रहा हूँ, उसके बाद पूरी तरह से रिलीज कर दे रहा हूँ, मुझे और जरूरत नहीं तेल क्लच की। अभी मैं 60 की स्पीड में हूँ, 2000 आरपीएम है, मैंने टॉप गियर लगा लिया प्लस क्लच में। आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर प्रेस करें, कमेंट में कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट करें, और अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें फ्रेंड्स। थैंक यू, गुड डे एंड ड्राइव सेफली।